हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एडू अरेना 2.0 पर। और मैं जैसा कि आज आपके लिए नई वीडियो शूट करने आया हूँ, मैं खड़ा हूँ जस्ट न्यूक्लियस कोचिंग सेंटर के सामने। और ये न्यूक्लियस की जो बिल्डिंग है बिल्कुल अभी प्रेजेंट टाइम पर बंद हो गई है। और आज ये जो थोड़ा सा लॉकडाउन में छूट देखने को मिली है, पब्लिक आ जा रही है, लेकिन कुछ एलन के स्टूडेंट है वो चहलकदमी करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि कोटा में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, 3 मई तक यहां पर कर्फ्यू रहेगा और 30 तारीख तक यहां पर जो है वो कोचिंगें बंद रहेगी। गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था उसके अकॉर्डिंग यहां पर सबको पालना करनी पड़ रही है। जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है रॉयल इम्पीरिया बिल्डिंग जो कि बंद है, सब स्टूडेंट है वो अंदर हैं। कोई भी स्टूडेंट जो एलन की बिल्डिंग है साफल्य उसके सामने जस्ट, और मैं यहाँ पे आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ कि देखो यहाँ पर किस प्रकार कोचिंग पर ताले लगे हुए हैं। कोचिंग को 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है, गेट नंबर 2 है साफल्य का। और ये यहाँ पर मेन रोड है, मेन रोड से हम देखते हैं यहाँ पर सारी जो शॉप्स हैं वो सब बंद है, टोटली लॉकडाउन लगा हुआ है। और ये कुछ स्टूडेंट हैं एलन के जो यहाँ पर चहलकदमी करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने ज़रूरत के सामान लेने के लिए मार्केट में आ जा रहे हैं। बाकी जो पूरा इलाका है वो पूरा इलाका सुनसान हुआ है। यहाँ पर कंप्लीट लॉकडाउन की वजह से स्टूडेंट बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ये जो सेकंड स्ट्रीट है यहाँ की जिसपे हॉस्टल्स हैं, चलो मैं हॉस्टल्स का नज़ारा दिखाता हूँ कि किस प्रकार यहाँ पर हॉस्टल्स कैसे बंद पड़े हैं। स्टूडेंट हैं जो सब अंदर लॉक हुए हैं, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं वो यहाँ से जा चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनको पता है कि अब कोचिंग खुलने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए